हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल रिसीवर के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल रिसीवर के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्रिस्टल रिसीवर होता है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्रिस्टल रिसीवर क्या होता है। क्रिस्टल रिसीवर वह होता है जिसमें एक ट्यूनिंग क्वाइल होता है। ठीक है, ट्यूनिंग क्वाइल द्वारा हम लोग डिजायर फ्रीक्वेंसी के RF सिग्नल को सिलेक्ट करके क्रिस्टल डायोड द्वारा उसका डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। ठीक है, जो क्रिस्टल रिसीवर होगा उसमें क्या होगा, एक ट्यूनिंग क्वाइल होगा। ट्यूनिंग क्वाइल मतलब उस क्वाइल को हम लोग ट्यून कर सकते हैं। तो उस ट्यूनिंग क्वाइल द्वारा हम लोग डिजायर फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार जितनी हम लोग को जरूरत होगी फ्रीक्वेंसी का, उतना RF सिग्नल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। RF सिग्नल मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग सिलेक्ट करके क्रिस्टल डायोड द्वारा हम लोग इसको डीमॉड्यूलेट करेंगे। डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या होगा कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हम लोग ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यह होता है क्रिस्टल रिसीवर। जो क्रिस्टल रिसीवर होता है उसका जो सर्किट होता है वो सिंपल होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सर्किट डायग्राम होता है। बट इसकी क्या डिमेरिट है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी सेंसिटिविटी पुअर होती है। ठीक है, सेंसिटिविटी पुअर होती है और इसकी सेलेक्टिविटी भी पुअर होती है। सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी दोनों इसका पुअर होता है, अच्छा नहीं होता है। और नो यूज एनी एम्पलीफायर, जो क्रिस्टल रिसीवर होता है उसमें किसी भी प्रकार का एम्पलीफायर का यूज नहीं किया जाता है, जिसके कारण से जो इसका आउटपुट मिलता है उसका जो लेवल होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो लो होता है। ठीक है, जो क्रिस्टल रिसीवर का आउटपुट मिलेगा उसका लेवल लो होगा, क्योंकि किसी एम्पलीफायर का हम लोग यूज नहीं करते हैं क्रिस्टल रिसीवर में। तो क्रिस्टल रिसीवर का जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिस्टल डायोड डिटेक्टर है, यहाँ पे एंटीना है, यहाँ पे एक ट्यूनिंग क्वाइल है, यहाँ इसको ग्राउंडेड किया गया, यहाँ पे एक लाउड स्पीकर है। ठीक है, तो जो हम लोग ट्रांसमीटर से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वो आता है कहाँ पे, यहाँ पे जो रिसीवर होता है उसके एंटीना पे आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है एंटीना के थ्रू, एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रिसीवर का एंटीना होता है वो उसका जो उसके पास जब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको कन्वर्ट करता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आता है और आता है कहाँ पे, ट्यूनिंग क्वाइल के पास। ट्यूनिंग क्वाइल के द्वारा हम लोग डिजायर फ्रीक्वेंसी का RF सिग्नल यहाँ से हम लोग ट्यून कर सकते हैं। और फिर यहाँ से डायोड डिटेक्टर के सर्किट, जो डायोड हम लोग यूज कर रहे हैं क्रिस्टल डायोड डिटेक्टर का, यहाँ से जाएगा कहाँ पे, लाउड स्पीकर के पास। लाउड स्पीकर क्या करेगा, हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा उसको साउंड में कन्वर्ट करेगा और हम लोग का यहाँ से आउटपुट मिलेगा साउंड। ठीक है, लाउड स्पीकर पर। तो यह होता है वर्किंग क्रिस्टल, जो क्रिस्टल रिसीवर होता है वो काम क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, क्रिस्टल रिसीवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक क्रिस्टल डायोड डिटेक्टर का यूज करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्रिस्टल रिसीवर। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्रिस्टल रिसीवर क्या होता है और इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है और कैसे इसको हम लोग वर्क कराते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।